वेलकम टू माय चैनल अनमोल एयर कंडीशनर। आज हम जानेंगे एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस कैसे भरती। पहले हम एक खाली सिलेंडर लेंगे, फिर उसके बाद एक बर्तन लेंगे। उस बर्तन में हम ठंडा पानी डाल देंगे, फिर वो जो सिलेंडर लिया है हम उसको फिर उस ठंडे पानी में रख देंगे। सिलेंडर पूरी तरह ठंडा होने के बाद हम इसको वैक्यूम करेंगे अच्छी तरह। पहले हम सिलेंडर को ठंडा करते हैं, थोड़ी सी देर के बाद हम इसको अच्छी तरह वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के लिए हमारे पास वैक्यूम पंप है, अब हम इसको वैक्यूम करेंगे। अब हम मशीन को ऑन कर देंगे। थोड़ी सी देर बाद वैक्यूम पूरा होने के बाद हम इसमें दूसरे सिलेंडर से सिलेंडर में गैस भरेंगे। अब हम इसको वैक्यूम होने देते हैं। वैक्यूम होने के बाद ही हम इसमें गैस भरेंगे। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये अब अच्छी तरह से वैक्यूम हो चुका है। अब हम दूसरे सिलेंडर से इसमें गैस भरेंगे। ये मेरे पास बड़ा सिलेंडर है, इस सिलेंडर से मैं छोटे वाले सिलेंडर में गैस भरूंगा। गैस भरने के लिए मैं पहले सिलेंडर में वाल लगाता हूँ। वाल लगाने के बाद मैं सिलेंडर की ऊपर जो ये हैंडल है इसको ओपन करूँगा। मैंने इसको ओपन कर दिया। फिर मैं बड़े सिलेंडर की वाल को खोलूँगा। अब धीरे धीरे जो बड़े सिलेंडर में गैस है वो छोटे सिलेंडर में जाने लग जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैं एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भर रहा हूँ। यही एक अच्छी प्रोसेस है एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरने की। ये सिलेंडर पूरा भरने के बाद मैं इसकी वाल को फिर से बंद कर दूंगा। मैंने वाल को बंद कर दिया है, इसके ऊपर वाले हैंडल को भी बंद कर दूंगा और बड़े सिलेंडर की वाल को भी बंद कर दूंगा।